क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि कुछ बुरा होगा। बढ़ते रहो अपनी मंजिलों की तरफ, कुछ नहीं भी मिला तो तजुर्बा तो नया होगा। तो इस प्यारी सी संडे की मॉर्निंग में आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम सब यही सोचते रहते हैं अपनी ज़िंदगी में कि ऐसा कौन है जो मेरे को ग्रोथ नहीं करने दे रहा है, जो मेरी ग्रोथ में रुकावट बन रहा है। हम बढ़ना चाहते हैं पर वो मुझे बढ़ने नहीं दे रहा है। कोई उसे किस्मत का नाम देता है, कोई उसे कलीग का नाम देता है और कोई उसे अपने बॉस का नाम दे देता है। तो आज की छोटी सी कहानी जो आप सबको बताएगी कि वो कौन है जो आपको ग्रो नहीं करने दे रहा, जो आपको अपने आपकी मंजिलों की तरफ बढ़ने नहीं दे रहा। तो एक छोटी सी कहानी। तो हुआ यूं कि एक मल्टीनेशनल कंपनी थी जहाँ करीबन 500 से 600 लोग काम किया करते थे। तो वहाँ का जो बॉस था उसको रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे थे। वो ये सोच के बहुत परेशान था कि मुझे रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल पा रहे, जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं वो अपना काम क्यों नहीं कर पा रहे जितनी उनकी कैपेबिलिटी है। तो उसने कुछ सोचा और एक दिन इवनिंग में अपना जो एंट्री गेट होता है उसके ऊपर एक पोस्टर लगवा दिया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जो भी आता उस पोस्टर को पढ़ता और हैरान हो जाता। उस पोस्टर पर लिखा था कि कल शाम उस व्यक्ति का निधन हो गया है, देहांत हो गया है, जो आपके रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट था, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा था। तो आप सबको उसके फ्यूनरल पे इनवाइट किया जाता है जो कि इस कंपनी के ही बेसमेंट में है। आप लोग उसके अंतिम दर्शन के लिए, उस आदमी के अंतिम दर्शन के लिए प्लीज़ बेसमेंट में इकट्ठा होइए। तो जैसे जैसे जो जो आ रहा था उसको पढ़ रहा था, आपस में गॉसिपिंग हो रही थी कि कौन है, कौन ऐसा था जो हमें रोक रहा था, कौन ऐसा था जो मेरी प्रमोशन को रोक रहा था। तो आपस में चर्चा बढ़ने लगी बट सब परेशान, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो जैसे जैसे बेसमेंट की तरफ सब जाने लगे वहाँ बहुत भीड़ बढ़ने लगी। तो वहाँ क्या देखते हैं, एक कॉफिन रखा था बीच में। तो सब वहाँ पे जाके उस कॉफिन में जाकर देखते हैं कि कौन है। जैसे ही वो कॉफिन में देखते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि किसी ने उनकी आत्मा को छू दिया। उस कॉफिन में एक मिरर था और उस मिरर के पास एक कागज़ रखा था जिस पर लिखा था, वो और कोई नहीं सिर्फ आप हैं जो अपनी ग्रोथ को रोक रहे हैं, आप ही अपने आप को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। तो दोस्तों, ये लाइफ कुछ नहीं है, जस्ट एक मिरर है, एक रिफ्लेक्शन है आपके थॉट्स का। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं, वैसा ही आप करते हैं और बन जाते हैं। सो कंट्रोल योर थॉट्स, गिव देम अ डायरेक्शन एंड लीड योर लाइफ टूवर्ड्स सक्सेस। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है, कोई आदमी नहीं है, कोई परिस्थिति नहीं है जो आपको सक्सेसफुल होने से रोके, जो आपको हरा सके, बस जब तक आप हार ना माने। तो एक छोटा सा दोहा उसके लिए जो मुझे याद आ रहा है आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। स्वयं विधाता हो हे मानव, स्वयं विधाता हो हे मानव, अंतर में विश्वास जगाओ, अंतर में विश्वास जगाओ। चलो न मिटते पद चिन्हों पर, चलो न मिटते पद चिन्हों पर, अपने रास्ते आप बनाओ, अपने रास्ते आप बनाओ। अपनी आत्म ज्योति से पुलकित, अपनी आत्म ज्योति से पुलकित, अपने सूद स्वयं बन जाओ, अपने सूद स्वयं बन जाओ। ये दोहा हमें बताता है कि अपनी जिंदगी की गाड़ी के हम खुद ही सूद हैं, खुद ही सारथी हैं। तो दोस्तों, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनों के साथ भरो अपने हौसलों से उड़ान और छू लो ये आसमान।